नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। सो यूपी स्कॉलरशिप की लगातार जो है कि अपडेट्स आप लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। ये यूपी स्कॉलरशिप की 22-23 के सेशन की ऑलमोस्ट समझ लो कि लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसके बाद में कोई 22-23 के ऊपर आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। इसका कारण आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो काफी जो आप लोग के डाउट्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो पहले तो कई सारे सवाल जैसे आ रहे होंगे आप लोग कि स्कॉलरशिप की क्या SC ST की जैसे बात हम लोग लगातार कर रहे थे, क्या उनकी आएगी या नहीं आएगी, ये बड़ा सवाल था। तो वो चीजें क्लियर करेंगे, क्या अपडेट आई है, आएगी नहीं आएगी, आने के क्या चांसेस है। एक चीज और हमने देख रहे हो कि अभी भी आप ये काम कर सकते हो, क्या काम होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा, वीडियो को सारे लोग लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एफर्ट देख सकते हो मेरे, आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं भी आप में से एक हूँ, आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो मुझे ग्रो होने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अब लाइन से चीजें हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो छात्रवृत्ति जो है कि आने को लेकर, मैंने अगर आप लास्ट वीडियो को याद करोगे तो मैंने एक बात आप लोगों को कही थी, वो एक बात ये बोली थी कि जो है कि PFMS का जो सॉफ्टवेयर है और जो वेबसाइट है और जो सर्कुलर है, इन सारी चीजों पे जो है कि काम चल रहा था, इस वजह से छात्रवृत्ति देखने को नहीं मिल रही थी। PFMS सॉफ्टवेयर का मैंने बताया था आपको कि उसी सॉफ्टवेयर से जितनी भी DBT के थ्रू पेमेंट होती है गवर्नमेंट की, वो सारी उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, उसमें जो है कि काम चल रहा था। ये मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में ये चीज बताई थी कि भाई उसमें काम चल रहा है। और उससे रिलेटेड चीज और मैंने आप लोग बताई थी कि छात्रवृत्ति और जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उनका ड्रेस का पैसा, ये सारा पैसा वो भी DBT के थ्रू जाता है, वो भी रुका हुआ पड़ा था सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि PFMS सॉफ्टवेयर ओके नहीं था, मतलब वो काम नहीं कर रहा था, इस कारण जो है कि उसका पैसा भी पेंडिंग में पड़ा हुआ था। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बोला था कि PFMS का सॉफ्टवेयर जो है कि काम करने लगा है, लास्ट वीक में ही मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तब मैंने बोला था कि PFMS का सॉफ्टवेयर ओके हो गया है, पेमेंट आने लगेगी। तो स्कूली ड्रेस वाला पेमेंट जो है कि जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उसकी शाम में जो है कि स्कूल ड्रेस और जो भी पेंडिंग पेमेंट था बाकी जो बच्चों का, सरकारी स्कूल के बच्चों का, वो DBT के थ्रू भेज दिया गया। तो एक चीज तो ये हो गई कि उस दिन उनका भेज दिया गया, और छात्रवृत्ति का पैसा मैंने आप लोगों को भेजा बोला था कि अगर भेजा जाएगा तो उसी दिन भेज दिया जाएगा, जो कि नहीं हुआ। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ, उस दिन उसका पैसा तो बिल्कुल भी नहीं भेजा गया। तो अब सवाल ये आता है कि जब उनका पैसा नहीं भेजा गया तो अब क्या होगा? देखो, अब सिंपल सी बात, मैंने आप लोग को उस वीडियो में भी बोला था कि अगर इस वीक में पैसा नहीं भेजते हैं, मतलब जिस वीक में मैंने स्कूल ड्रेस और वो सारी चीजों की बात की थी, तो पैसा नहीं आने के मतलब बिल्कुल चांस बढ़ जाएंगे, मतलब कि अब पैसा नहीं आएगा। बेसिकली एक लाइन की बात यह है, उसका कारण यह है कि अब उनकी तरफ से कोई अपडेट, कोई न्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं लगातार मतलब अपनी पूरी नजरें बनाए रखता हूँ, जितनी मीडिया है, ट्विटर देख लो, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, फिर इंटरनेट पे भी न्यूज देखता हूं, सारी चीजें देखता हूं। छात्रवृत्ति की 22-23 की आपको कोई भी अपडेट जो है कि अब देखने को नहीं मिलेगी। इस SC ST कैटेगरी जिनका पैसा एक्चुअली इनको देना चाहिए था, तो उस रिगार्डिंग अब देखो बेसिकली उम्मीद बिल्कुल अब खत्म होते चली, क्योंकि जुलाई एंड होने को आ गया। मतलब मुझे पूरी उम्मीद थी कि जुलाई एंड तक, मतलब आखिरी तक पैसा दे दिया जाएगा। अब ऑलरेडी आज जो है कि आपको लोग देखो 28 जुलाई हो गई, अभी तक पैसा नहीं दिया गया, तो अब उम्मीद ऑलमोस्ट समाप्त होती जा रही है SC ST कैटेगरी के लिए भी। तो आप लोग इस पे छात्रवृत्ति 22-23 पे अब मतलब अपना टाइम वेस्ट ना करें, बस ये मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, और हर वीडियो में करता हूं, क्योंकि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। छात्रवृत्ति को अगर आना हुआ तो आएगी, क्योंकि अब उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई, कोई अपडेट भी नहीं आ रही है। मैं क्लियर बता दूं आपको, कोई अपडेट नहीं आ रही है, तो इससे यही पता चल रहा है छात्रवृत्ति नहीं आएगी। अब ये तो हो गई वो वाली चीज की जो अपडेट थी, मतलब कोई अपडेट नहीं थी, छात्रवृत्ति नहीं आएगी, उम्मीद बिल्कुल कम हुई SC ST के लिए। अगर आनी होगी तो 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी, जो कि अब मुझे पर्सनली मुझे अब कम लगने लगा कि आएगी। अब इन्होंने बहुत बड़ा, सरकार ने आप लोगों के साथ SC ST वालों के साथ बेसिकली स्कैम किया। स्कैम इसलिए बोल रहा हूँ SC ST वालों के साथ, क्योंकि बाकी लोगों के लिए उन्होंने सर्कुलर नहीं निकाला, लेकिन पर्टिकुलरली SC ST कैटेगरी के लिए उन्होंने, आपको भी मालूम होगा कि डेट बीत जाने के बाद एक अलग सर्कुलर निकाला, पोर्टल खोला, करेक्शन कराया, सब कुछ कराया, उसके बावजूद अगर छात्रवृत्ति नहीं दी, तो इसलिए मैं इसको स्कैम बोल रहा हूं। तो ये एक बड़ा कारण है। तो अब इसके, अब इसमें आप देख लो क्या कर सकते हो, मतलब सरकार के खिलाफ आप लोग आवाज कैसे उठाओगे, मतलब एक तो ये बड़ा मुद्दा है। तो ये तो हो गया SC ST वालों का। अब जो अपडेट आ रखी है उसको देख लीजिए, आप स्क्रीन पर भी मेरे देख पा रहे हो। अपडेट क्या रखी है बेसिकली कि OBC को, आप यहाँ स्क्रीन में आपको दिखाई देगा इस तरफ में, किसी तरफ में, कि OBC को बीते सत्र की छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली। हिंदुस्तान ने जो है कि ये खबर प्रिंट की है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, इनको ये काम सारे मीडिया हाउसेस को बहुत पहले से करना चाहिए था, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो इन्होंने देखो लिखा क्या है बेसिकली, इन्होंने आवाज उठाई है, ये आवाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब अगर छात्रवृत्ति ये 22-23 को लेकर देखो बोला है इन्होंने, पढ़ लेते हैं लाइन से, कि बीते शैक्षिक सत्र 22-23 में आवेदन करने और पात्रता की शर्तें पूरी करने के बावजूद लाखों OBC छात्र छात्रा छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का लाभ पाने से वंचित रह गए। मतलब OBC के करीब 5 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जिसके ऊपर इन्होंने बात की है, कि ऐसे OBC के 5 लाख छात्र जिनका फॉर्म वेरीफाई था, सब कुछ था, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया। तो हिंदुस्तान ने उसी चीज को हाईलाइट किया है, अभी रिसेंट की खबर में लखनऊ का जो प्रिंट है उसके थ्रू हाईलाइट किया है कल की डेट में।
तो ये बड़ी बात है अगर ऐसे सारे जितने न्यूज़पेपर वाले या जितने भी आप लोग आवाज उठाते सारे लोग करते तो ये बात गवर्नमेंट तक जाती तो भले कुछ हो सकता था, पर ये बात गवर्नमेंट तक मेरे हिसाब से गई ही नहीं कभी, क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने इस खबर को जो है कि प्रिंट किया है कि भाई 5 लाख ओबीसी के छात्र हैं जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई। तो ये सारी चीजें हुई, अगर ऐसे सारे जो है कि न्यूज़पेपर और सारी जगह हाईलाइट होने लगे तो थोड़ा सा मतलब बात बने, उन तक बात जाए, तो एससी एसटी के एटलीस्ट कम से कम पैसा आ सकता है, क्योंकि एससी एसटी के लिए सर्कुलर निकाला गया, उनका फंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आता कुछ फंड, इस वजह से मैं उनके लिए ज्यादा उम्मीद रखता हूं, क्योंकि उनका स्टेट गवर्नमेंट से 40% ही आता है, बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से चल रहा था, बोल रहा था आप सबको कि पैसा एससी एसटी का आएगा, उसका मेन कारण ये था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का पैसा फंड तो एक बार फिक्स होता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, इस वजह से मैं ये मान के चला था कि एससी एसटी के लिए सर्कुलर निकाला गया तो पैसा भी दिया जाएगा। अब कोई अपडेट नहीं है इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझा दिया कि छात्रवृत्ति आने की उम्मीद अब आप लोगों के लिए भी कम होती जा रही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज है जो वीडियो की सेक्शन में हम लोग बात कर लेते हैं। आपने ये देखा कि हिंदुस्तान ने जो है कि ये चीज जो है कि अपने अखबार में उन्होंने छापा कि ओबीसी के इतने इतने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। इसके लिए कैंपेन, अगर आपको याद होगा तो जो पोर्टल नहीं खुल रहा था आप लोगों के लिए लास्ट टाइम में, मतलब 22 के एंड में, अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम पे तो हम लोगों ने काफी कैंपेन ट्विटर पे चलाए थे, सारे कुछ किए थे, तो वो हम लोग दोबारा कर सकते हैं। आप में से काफी लोग बोल भी रहे थे, तो देखो उतने ज्यादा मेरे ट्वीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी इतना तो मतलब पता ही होगा कि एक लोग के किसी के ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा। वो कैसे, मैं अपने लेवल पे ट्वीट करने की सोच रहा हूँ, ट्विटर का आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कमेंट में भी डाल दूंगा, वहां से आप लोग फॉलो कर लेना, ट्वीट करेंगे आप लोग भी रिट्वीट करना, आप लोग उसी टाइप के ट्वीट कर सकते हो, जितना करा सकते हो हाईलाइट करोगे तो गवर्नमेंट तक बात जाएगी। मेरा मतलब बोलने का मतलब ये था, मेरा मेन पॉइंट ये था कि अगर आप हाईलाइट कर सको, और हाईलाइट करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप ये जो आप सोशल मीडिया है इसके थ्रू हाईलाइट करो। सोशल मीडिया में ट्विटर सबसे ज्यादा आजकल मतलब इन चीजों को हाईलाइट करने के लिए आपको मालूम है इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग हैशटैग यूपी स्कॉलरशिप लगा के और फिर एससी एसटी स्कॉलरशिप ऐसा कुछ करके हम लोग मतलब चला देंगे। मैं तो अपनी तरफ से ट्वीट कर दूंगा, आपका काम रहेगा उसको रीट्वीट और ये सब करना। तो ये सारी चीजें होंगे यूपी स्कॉलरशिप की। अब उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल पोल डाला था कि डिजी लॉकर से आप लोग मार्कशीट और वो सारी चीजें डाउनलोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाने की सोच रहा हूँ जिसमें आपको मैं ये बताऊं कि डिजी लॉकर में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसकी क्या वैल्यू, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जितनी वैल्यू है क्या है, वो सारी चीजें आपको उस वीडियो में समझाऊंगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करके जाना और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एस्केटिंग मैसन।